खड़ विच डांग खड़के खड़ विच डांग खड़के उत हो गई लड़ाई पारी अर्जुन वैली ने। उपिंदर जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। और एनिमल के लिए आप नॉमिनेटेड है, और पहले तो हम वो गाना सुन ले जिसके लिए नॉमिनेशन आपके लिए आया है, ये तो हम सुनना चाहेंगे। यस जी, गाना बहुत अच्छा बना। हाँ, फिल्म बहुत हिट रही है। हाँ जी, तो फिल्म फेयर अवार्ड हो या आईफा अवार्ड हो, उसमें इतनी सारी नॉमिनेशन और मैं उसका पार्ट रहा हूँ, सो आई एम सो एक्साइटेड। और ये जो इवेंट है ये अबू धाबी में रखा गया, द बेस्ट लोकेशन इन द वर्ल्ड, सो आई एम हैप्पी टू सी ऑल थिंग्स। विच डांग खड़के खड़ विच डांग खड़के उत हो गई लड़ाई पारी अर्जुन वैली ने। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नो कि यू नो एनिमल के ना परसेप्शन थोड़ा लोगों का अलग रहा है मूवी के बारे में। जी, वॉट डू हैव टू से अबाउट जो थोड़ा नेगेटिव कॉमेंट्स आए एनिमल्स के लिए? देखो, मैं जब डायरेक्टर फिल्म बनाता है उसने बहुत सी चीजें देखनी होती है, तो उसमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी होना होता है, लेकिन फिल्म में जो सुपरहिट है गाने उससे भी सुपर हिट। अच्छा, तो जब ये गाना सबसे पहली बार रणबीर कपूर ने सुना और बॉबी डियोल ने सुना, व्हाट वाज देयर रिएक्शन? क्या बात थी, वो सारे एक्साइटेड थे, सारे बहुत खुश थे, बहुत बड़ा सॉन्ग था और स्पॉटिफाई पे इंडिया में नंबर वन पे रहा है, वर्ल्ड में इसको पूरी अप्रिसिएशन मिली है, मिलियन में गीत सुना गया, तो मेरे लिए भी खुशी है और फिल्म की पूरी जो टीम है वो सारे सब खुश थे। और माय लास्ट क्वेश्चन, लाइफ आफ्टर द सक्सेस ऑफ एनिमल, कितना चेंज हो गई है आपकी लाइफ? बहुत चेंज हो गई है, क्योंकि पहले मैं सिर्फ अपने पंजाब तक सीमित था, अब पूरी दुनिया में मुझे मैं शो कर रहा हूँ, कॉल्स आ रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, फिल्म हिट गई है, ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये फिल्म ही आपके गीत की वजह से हिट हुई। विच इज सो ट्रू।